अहर्निश प्रयासों से अनेक बार चुनौतियां आने के बाद भी देखिए पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं इन कर्मयोगियों के ऊपर, इन श्रमजीवियों के ऊपर, इन श्रम साधकों, इन श्रम साधकों के ऊपर अद्भुत क्षण समूचे राष्ट्र की ओर से पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं, इनके कार्यों का अभिनंदन कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये सभी लोग श्रम साधक हैं, इन्होंने अपनी आहुति इस महायज्ञ में दी है और इस समय पुष्पांजलि से इनका अभिषेक कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। श्रम का सम्मान कर रहे हैं, जो जिजीविषा है, जो निर्माण है, जो सृजन है, वो इनके अथक प्रयासों से हुआ है। निर्देशन प्रधानमंत्री का रहा, संपूर्ण राष्ट्र की कामना रही, लेकिन उसको मूर्त रूप, साकार रूप देने में इन श्रमजीवियों का, इन श्रम साधकों का सबसे बड़ा योगदान रहा और उनका अभिनंदन कर रहे हैं। विलक्षण क्षण श्रम का सम्मान, प्रतिभा का सम्मान, मेधा का सम्मान, संस्कृति का सम्मान, सनातन संस्कृति के ये मूल बिंदु हैं, ये मूल हमारी परंपरा है और इस महायज्ञ में अपने जीवन के, अपने महत्व के, अपने पुरुषार्थ के जिन समाधियों का इन्होंने इस यज्ञ में संविधा जो डाली है। और बीच बीच में पूछते भी जाते हैं, भैया कहाँ से हो, हाँ, क्या नाम है, क्या किया आपने, ये जो याद आ रहा है। जब उन्होंने पांव पखारे थे, क्योंकि जब प्रयागराज में दिव्य भव्य कुंभ हुआ तो वहां पर सबसे ज्यादा चर्चा रही वहां की स्वच्छता का और स्वच्छता स्वच्छाग्रहियों का, उन्होंने पांव पखारा उसी तरीके से जिस तरीके से उनके श्रम का सम्मान उस समय किया गया था। इस समय लोग अभिभूत हैं और ये सबसे बड़ा सम्मान है, श्रम का सम्मान, प्रतिभा का सम्मान। आप उन श्रमिकों के आंखों में देखिए, बिना कुछ बोले आप सिर्फ उनका आंखों को देखते रहिए, अपने आप वो सब कुछ बयां कर देंगे कि वो कितने।